मूवी के स्टार्टिंग में हम आईवी को देखते हैं। वो एक रेस्टोरेंट के पास बैठी हुई थी। वो अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद उसकी फ्रेंड वहां पर आ जाती है। वो आईवी की बेस्ट फ्रेंड थी। उसे देखकर वो खुश थी और दोनों बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। वहां पर आईवी का एक फ्रेंड आ जाता है। वो आईवी को हेल्प करने के लिए कहता है। आईवी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। वो दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे थे तभी वहां से एक लड़की गुजरती है। एक्चुअल में वो एक फे थी। उसे देखते ही आईवी के गले का लॉकेट ग्लो करने लगता है। उस फे के बॉडी का कलर सिल्वर जैसा था। उसे देखकर उन्हें जरा अजीब लगता है। फे को जाते देख आईवी की फ्रेंड भी चली जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते है कि आईवी कई बार जा रही थी। उसे और एक फे दिखता है। वो कहीं जा रहा था, आईवी उसका पीछा करती है। वो एक जगह पर टॉयलेट करने लग गया। आईवी साइलेंटली जाकर उसके पीछे से अटैक करती है, लेकिन वो फे उससे बच जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं। आईवी उस पर अपने आयरन स्टेक के साथ अटैक करती है, उसे खत्म कर देती है। वो वहां से चली जाती है और इसके बाद वहां पर और एक फे आ गया। उस न्यू फे के हाथ में गन था। असल में फे कभी भी गन नहीं चलाते। ये देखने के बाद आईवी उस फे पर भी आयरन स्टेक से अटैक करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। आईवी फिर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर फे उस पर गोली चला देता है। आईवी जैसे तैसे वहां से निकली। उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो अपने बिल्डिंग में आ जाती है। सीढ़ी पर घसीटते हुए ऊपर आने लग गए। उसकी हालत बहुत खराब थी और वो अपने बॉस डेविड को कॉल करती है। डेविड अपना कॉल नहीं उठाता। तभी वहां पर रेन और डॉक्टर हैरिस आ जाते हैं। ऐसी हालत देखकर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी ये हालत किसने की। आईवी कहती कि एक फे ने मुझ पर गोली चलाई थी। रेन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन आईवी कहती है कि मुझे हाथ मत लगाना। वो कह रही थी कि फे कभी भी गन नहीं चलाते। इतने में वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आईवी एक हॉस्पिटल में थी और वहां पर डेविड भी था। डेविड आईवी से कहता है कि क्या तुमने मुझे कल रात कॉल किया था। आईवी कहती है कि एक फे ने मुझ पर गोली चला दी थी। डेविड कहता है कि क्या सचमुच में वो फे था। आईवी कहती है कि हाँ, पर उसके शरीर का कलर सिल्वर नहीं था। डेविड कहता है कि वो एक एंशंट था। इस पर आयरन स्टेक का भी कोई असर नहीं होता। उसने कहा कि ये बात किसी को भी मत बताना। डेविड फिर आईवी को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और वो वहां से चला गया। आईवी फिर अपने फ्रेंड से बात करती है, जो भी हुआ था सब कुछ बताती है। आईवी की फ्रेंड उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। आईवी फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और अपने घर पर आती है। वहां पर वो किसी को ढूंढ रही थी। एक्चुअल में वो एक स्मॉल फे था। उसका नाम है टिंक। वो आईवी के साथ ही रहता था। आईवी उसे बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। टिंक कहता है कि फे तो कभी गन नहीं चलाते। आईवी ने कहा कि वो एक एंशंट था। आईवी टिंक से एंशंट के बारे में पूछने लगती है। टिंक कहता है कि मैंने एक बार एंशंट को देखा है, पर वो अदर वर्ल्ड में, अर्थ पर मैंने उसे कभी नहीं देखा। आईवी फिर अपने कमरे में आ जाती है और कुछ सोचने लगती है। इसके बाद आईवी रेडी होकर घर के बाहर चली गई। आईवी जा रही थी तभी उसे अपना एक फ्रेंड मिलता है। उसने फे के बारे में उसे जो भी बताया इसका वो मजाक उड़ा रहा था। आईवी इस बात पर गुस्सा हो जाती है, उसे लात मारती और वहां से वो चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फे आईवी को फिर से दिखता है। आईवी उसका पीछा करने के लिए जाती है, तभी वहां पर रेन आ गया और उसे रोक लेता है। रेन आईवी से कहता है कि तुम्हारी जान मुश्किल से बची है, तुम्हें फिर से उसका पीछा नहीं करना चाहिए। आईवी उसे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। रेन उसे कहता है कि मैं सब कुछ डेविड को बता दूंगा कि तुम ये सब कर रही हो। उसे घर जाने के लिए कहता है। अगले दिन आईवी अपने कॉलेज से डेविड के पास आती है। डेविड को पता चलता है कि उसके ना कहने के बावजूद भी आईवी ने रेन को फे के बारे में बताया। डेविड आईवी पर बहुत ही गुस्सा होता है। आईवी फिर वहां से चली जाती है और अपने घर आ गई। कुछ समय बाद वो देखती है कि रेन उसके कमरे में था। रेन को देखकर आईवी उसे लात मार देती है। रेन उसे कहता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। रेन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। आईवी उससे कहती है कि वो मारा गया था। रेन कहता है कि मैं एंशन फे को पकड़ने आया हूँ और रेन एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी था। इस सब के बारे में डेविड को पता नहीं था। रेन कहता है कि कहीं बाहर चलकर बात करते हैं। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आके रेन उसे कहता है कि वो एक इलीट ग्रुप से बिलोंग करता है। वो ग्रुप उसे फे से लड़ना और एंशंट को काबू में करना सिखाते हैं, क्योंकि एंशंट बहुत ही पावरफुल होते हैं। उसे बताता है कि एंशंट हमेशा किसी के ऑर्डर पर अटैक करते हैं, जैसे तुम पर किया, मतलब तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। आईवी उसे पूछती कि एंशंट को कैसे मारा जा सकता है। वो कहता है कि तुम्हें अदर वर्ल्ड के स्ट्रोक से ही उसे मारना पड़ेगा। आजकल सिटी और अदर वर्ल्ड के गेट्स वीक हो गए। इस गेट्स की लोकेशन क्या थी इसके बारे में उसे पता नहीं था। इसके बाद वो वहां से जा रहे थे तभी रेन आईवी को दीवार के पीछे छुपा देता है। उसने कहा कि उस कार को देखो। उस कार से एक आदमी निकलता है जो असल में एक एंशंट था। वो एंशंट एक लड़की के साथ होटल में जाने लगता है। आईवी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है। रेन उसे कहता है कि तुम्हारे पास एंशंट से लड़ने की पावर नहीं है। उसे उसने रोक लिया। रेन ने आईवी से कहा कि वो एंशंट मार्लोन सेंट साइरस नाम के होटल में रुका है, जो सिटी का बहुत बड़ा डेवलपर है। वो दोनों बात कर रहे थे तभी रेन आईवी को किस करता है। इससे आईवी थोड़ा सा नाराज हो जाती है। इसके बाद वो अपने घर पर आ गए। अगले दिन आईवी रेन के पास गए। वो रेन को पूरा शहर घुमा
घुमाने वाली थी। वो दोनों कहीं जा रहे थे तभी आईवी और रेन को अजीब सी आवाज आती है। उस आवाज को फॉलो कर उस जगह पर वो पहुंच जाते हैं। वहां पर एक गर्ल फिर एक लड़के के नेक पर बाइट कर रही थी, फिर आईवी उसे पंच मार कर मार देती है। वहां पर आईवी की फ्रेंड्स भी आ जाती है और आईवी से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। आईवी ने कहा कि हम बाद में बात करेंगे और रेन के पीछे वो चली गई। रेन कहती कि हालत बहुत बिगड़ रही है। तभी बहुत फास्टली आईवी के पीछे से एक बाइक गई, रेन उसे बचा लेता है। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। आईवी रेन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, वो उसे ना कहता है। इसके बाद आईवी अपने घर पर आ गई, टिंग को गुड नाइट बोलकर सोने चली जाती है। अगले दिन आईवी अपने फ्रेंड से बात करने गई, वो उसे उस एंशियंट मार्लोन सेंट साइरस के बारे में बताती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि उसके पास एंशियंट की सीक्रेट्स है। वो कहती है कि अदर वर्ल्ड में किंग और क्वीन कंट्रोल करते हैं, अगर अदर वर्ल्ड का गेट खुल जाता है तो ये बहुत बुरा होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेन आईवी को ब्लू आईवी देता है। आईवी उसे पूछती कि आईवी क्यों, रेन कहता है कि ऐसे ही उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था। रेन आईवी से कहता है कि आज क्या फिर से एंशियंट को पकड़ने के लिए नहीं जा रहे। रेन आईवी से पूछता है क्या तुम आज भी एंशियंट को पकड़ने के लिए नहीं जा रहे, उसे ना कहती है। तो दोनों फिर पूरा दिन सिटी घूमते हैं। रात के समय पर रेन अपनी बाइक पर आईवी को बिठाता है। वो दोनों फिर बाइक से एक बार में जाते हैं। यहाँ पर आईवी उसी एंशियंट को देखती है जिसने उस पर गोली चलाई थी। दोनों फिर पीछे की साइड से बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर वहां पर पहले से कुछ फे थे। इसके बाद वो दोनों मिलकर उनसे फाइट करने लगते हैं। वो दोनों मिलकर सारे फे को मार देते हैं पर फाइट के दौरान आईवी को चोट आई थी। फाइट के बाद उनके फोन पर इमरजेंसी मीटिंग की नोटिस आती है। वो सब मिलकर डेविड के पास जाते हैं। डेविड उनको कहता है कि हमारा फ्रेंड ट्रेंड मर चुका है, अब हम सबको संभाल कर रहना चाहिए। डेविड फिर आईवी के पास आता है, पूछता है कि तुम आज कहां पर थी। आईवी कहती है कि मैं रेन के साथ थी। तुम मुझे ये सब पूछ क्यों रहे हो। डेविड कहता है कि मैं सिर्फ चेक कर रहा था। आईवी रेन से कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे ऑर्डर में एंशियंट के साथ कोई मिला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में आईवी अपने घर पर थी और रेडी हो रही थी। आईवी और रेन मिलकर क्लब जा रहे थे। आईवी का आउटफिट देखकर रेन को बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों फिर क्लब पहुंच गए। क्लब में ह्यूमंस के साथ बहुत सारे फे भी थे। वहां पर आईवी फिर से एंशियंट को देखती है जिसने उस पर गोली चलाई थी। आईवी उससे बचने के लिए रेन के साथ डांस करने लगती है। डांस करते वक्त आईवी मार्लन को भी देखती है और उसके पीछे जाती है। रेन उसे कहता है कि ये करना बहुत ही डेंजरस है, लेकिन आईवी उसकी बात ना मानते हुए वहां से आगे बढ़ती है। आईवी देखती है कि दोनों कुछ बातें कर रहे थे। इतने में वहां पर एंशियंट उठकर आईवी के पास आ जाता है। उनके सामने वो पोज करने लग गया पर तब रेन अलार्म बजा देता है, उससे सब लोग भागने लग जाते हैं। इसके बाद रेन आईवी को अपनी दिल की बात कहता है। आईवी उसे चाहते हुए भी मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों किस करने लग गए। अगले दिन आईवी जब उठी तो उसके फ्रेंड का उसे मैसेज आता है और उसे कॉफी के लिए बुला रही थी। फ्रेंड और वो बात कर रहे थे तो आईवी फ्रेंड से कहती कि शायद मुझे रेन अच्छा लगने लग गया है। बात करने के बाद उसकी फ्रेंड चली जाती है। आईवी फिर रेन के साथ ब्रिस्टन के घर पर आती है। ब्रिस्टन की मॉम मार्ले पहले ऑर्डर के लिए काम किया करती थी। बाइक से उतरते वक्त रेन आईवी से कहता है कि ब्रिस्टन की मॉम मार्ले ये पहले ऑर्डर के लिए काम किया करती थी। इसके बाद वो उसे मिलने के लिए जाते हैं। पता चलता है कि मार्ले रेन को पहले से जानती थी। वो बताती कि हमें जल्दी से एंशियंट और फे को मारना होगा और सिटी के गेट्स को जल्दी से बंद करना होगा, उसे पूरी तरीके से मिटा देना होगा। कहते समय वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो कहती कि हमें हाफलिंग्स को पकड़ना होगा। अपने हाथ में जो ग्लास था उसे वो तोड़ देती है। ब्रिस्टन अपनी मॉम को अंदर लेकर जाती है। अभी रेन से पूछती है कि हाफलिंग्स क्या है। रेन उसे अपने घर पर लेकर जाता है और कहता है कि हाफलिंग्स फे और ह्यूमंस के बेबीज होते हैं। एलिट्स ने काफी हाफलिंग्स को मार दिया है। अगर प्रिंस और प्रिंसेस को पता चलता है तो सारे डोर्स खत्म अगर प्रिंस और प्रिंसेस को ये पता चला तो सारे डोर्स खत्म हो जाएंगे। रेन उसे बताता है कि यहाँ पर वो हाफलिंग्स को ढूंढने के लिए आया है। उनसे मिलते हुए उसे मार देगा क्योंकि हाफलिंग्स की वजह से ही एंशियंट और ऑर्डर की लड़ाई चल रही थी। रेन कहता है कि हाफलिंग्स को हम पहचान सकते हैं। वो अडॉप्टेड होता है और उसके ब्लड से बबल बनेगा। यहाँ पर आईवी भी अडॉप्टेड थी और उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी इसलिए हाफलिंग नहीं थी। शायद इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एंशियंट ने उस पर गोली चलाई थी। रेन उसे कहता है कि मेरा एक फ्रेंड जो बचपन से मेरे साथ था वो एक हाफलिंग था। उसने गलती से एक आयरन स्टेक को उठा लिया, इससे उसकी डेथ हो गई। हाफलिंग भी आयरन स्टेक से मर जाते हैं। आईवी फिर उसे कंसोल कहती है और कहती है कि तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। वो दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद आईवी अपने घर पर थी। आईवी टिंग के पास जाती है और कहती है कि अभी भी वो दो गेट्स ओपन है। एक बहुत ही मुसीबत की बात थी। टिंग को हाफलिंग्स के बारे में पता था। उसे कहता है अगर एंशियंट का खून अदर वर्ल्ड से अंदर बहेगा तो गेट्स बंद हो जाएंगे। इसके ऑपोजिट अगर एंशियंट का खून बाहर से बहेगा तो गेट्स खुल जाएंगे। टिंग कहता है कि हमें सारे गेट्स को तबाह करना पड़ेगा और एंशियंट को मारना पड़ेगा। आईवी फिर अपने फ्रेंड के पास आ जाती है। वहां पर रेन भी था। रेन उसे किस करता है। दोनों मिलकर फिर डेविड के पास जाते हैं। आईवी डेविड को सारी बात बताती है लेकिन डेविड को भरोसा नहीं था इसलिए वो रेन को रुकने के लिए कहता है। वो दोनों को बाहर भेज देता है।
रेन ने डेविड से कहा कि मुझे मार्ले पर शक है। दूसरी तरफ मार्लेस आईवी को कहता है कि जहाँ ट्रेन की मौत हुई थी वहाँ उसे रेन और आईवी के फोटो मिले थे, उसे उन पर भरोसा नहीं था। फिर रेन डेविड के साथ बाहर आता है आईवी और रेन फिर वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों मिलकर एक गेट के पास खड़े थे जिसके बारे में मार्ले ने उन्हें बताया था। रेन आईवी से कहता है कि क्या तुम मेरे घर पर चलोगी, आईवी इसके लिए हाँ कहती है। दोनों फिर घर पर पहुंचते हैं। घर पर रेन आईवी को थ्रोन स्टेक देता है, कहता है कि आज मैं एक नॉर्मल मैन हूँ। वो दोनों मिलकर फिर टीवी देखते हैं। आईवी को नींद आ रही थी, रेन फिर टीवी को ऑफ कर देता है। वो आईवी को कहता है कि आज तुम यही सो जाओ, मेरा बेड बहुत बड़ा है। उसे अपनी टी शर्ट देता है, उसे पहनकर बेड पर सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि दोनों किस कर रहे थे। आईवी फिर एकदम से उठ जाती है और अपने कपड़े पहनने लग गए। रेन आईवी से कहता है कि क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया, आईवी कहती है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। इतना बोलकर वहां से वो चली गई। एक बुक लेकर वो सुनसान सी जगह पर आके तभी उसे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए मैसेज आता है। सब लोग वहां पर पहुंच गए। आईवी की फ्रेंड ने नोटिस किया कि रेन और आईवी एक दूसरे की अपोजिट खड़े थे। वो कहती कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है, आईवी कहती कि नहीं। इसके बाद डेविड वहां पर आता है, कहता है कि आज रात सब लोग करीबी लोगों के साथ बीता है क्योंकि अगला दिन बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। हमें कुछ भी कर एंशंस को गेट से दूर रखना है क्योंकि उनके खून से गेट्स खुल जाएंगे। आईवी की फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए चली जाती है। अभी भी वहां से बाहर निकल गए। रेन उसे पूछता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम ऐसे क्यों चली गई। वो कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। रेन कहता है कि फिर तुम्हें बताना चाहिए। आईवी कुछ बिना बोले ही फिर से अपने घर आ जाती है। रात हो गई थी। आईवी देखती है रेन उसके गेट पर खड़ा था। रेन उसे कहता है कि मुझे रीजन बता वरना मैं नहीं जाऊंगा। वो रेन को बताती है कि वो रेडी होकर गेट में लॉकेट पहनकर उसके बॉयफ्रेंड शॉन से मिलने के लिए जा रही थी, तभी उस पर फे ने अटैक किया और उसे जख्मी कर दिया। वो भागते हुए अपने घर पर आए। वो फे उनके घर पर आ गया, उसके पेरेंट्स को मार डाला। जब शॉन उसे ढूंढते हुए आया तब उसे भी उसने मार दिया। आईवी कहती कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। रेन कहता है कि मेरा भी बेस्ट फ्रेंड मर गया था लेकिन मैंने हिम्मत रखी। आईवी कहती कि मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। रेन कहता है कि कल कुछ भी हो सकता है इसलिए आज का समय अच्छे से बिताओ। रेन फिर आईवी को किस कर लेता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन वो उठे। रेन आईवी से कहता है क्या तुम्हें कुछ करना है, आईवी हाँ कहती है। रेन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाता है तभी आईवी को कुछ आवाज आती है। वो देखती है तो रेन टिंक को मारने वाला था। आईवी कहती है कि इसे छोड़ दो, ये मेरा फैमिली मेंबर है। रेन कहता है कि अदर वर्ल्ड से, लेकिन आईवी कहती है कि सब फे अदर वर्ल्ड के खराब नहीं होते। आईवी ने कहा कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। रेन भी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर रेन आईवी से कहता है कि आज की रात बहुत मुश्किल होने वाली है, आज का दिन वो साथ बिताएंगे। दोनों फिर एक दूसरे के साथ बहुत घूमते हैं, काफी खुश थे। रात में फिर वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। टिंक उसे कहता है कि मत जाओ, पर आईवी कहती है कि मेरा जॉब है, मुझे जाना पड़ेगा। आईवी उस गेट की जगह पर पहुंच गए, सारे टीम मेंबर्स वहीं पर थे। आईवी रेन से कहती है कि आज का दिन स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू। आईवी ने कहा कि गेट कहाँ पर है। रेन कहता है कि ऊपर के बेडरूम में। वहां पर आ गए और उसने गेट बंद कर दिया और कहता है कि एंशंट को कैसे भी रोकना पड़ेगा। सब रेडी थे तभी एंशंट का उन पर अटैक हो जाता है। इसमें आईवी और रेन दोनों को चोटें लगती है, उन्होंने लगभग सभी को मार दिया था। तभी वहां पर एक पावरफुल एंशंट आ जाता है, वो सबको हरा कर अपने खून से गेट को खोल देता है जिसमें से प्रिंस अंदर आता है। आईवी के सारे फ्रेंड्स भागते हुए हेडक्वार्टर्स जाते हैं। आईवी भी उनके पीछे जाती है जहाँ पर वो डॉक्टर हैरिस को मरा हुआ देखता है। आईवी देखती है कि उसकी फ्रेंड वहां से कुछ सामान लेकर चली जाती है। आईवी फिर खुद प्रिंस को रोकने की कोशिश करती है। प्रिंस उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। फिर भी आईवी उस पर अटैक करती है। प्रिंस फिर उसे पीछे फेंक देता है और मरने ही वाला था कि प्रिंस को पता चलता है कि हाफलिंग्स है। प्रिंस उसे बचाने लगता है, तब तक रेन वहां पर आ जाता है। प्रिंस फिर बर्ड बनकर वहां से चला जाता है। आईवी बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आईवी अपने बेड पर थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी। रेन उसे पूछता है कि उसकी फ्रेंड किधर गई ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने गेट को बंद कर दिया है। शाम के समय रेन आईवी के लिए कुछ खाने के लिए लाता है, किसी काम की वजह से वो वहां से चला जाता है। आईवी सोचती है कि प्रिंस ने मेरी जान क्यों बचाई। टिंक से कहती है कि प्रिंस मुझे हाफलिंग्स क्यों कह रहा था। टिंक कहता है कि मुझे पहले ही पता था। आईवी अपने हाथ पर स्ट्रोक से कट करने वाली थी, टिंक उसे मना करता है। आईवी इसे कट करती है और उसके खून से बबल बनने लगते हैं। आईवी रियलाइज करती है कि रेन को पता था कि वो हाफलिंग है, फिर भी उसे प्यार करने लग गया था। रेन का तो जॉब था कि उसे वो मार डाले, पर फिर भी उसने उसे बचाया था। रेन देखता है कि आईवी की अब डेथ हो रही है। रेन उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हमें टू बी कंटिन्यूड दिखाया जाता है, इसका मतलब है इसके आगे पार्ट्स आने वाले हैं। ऑब्वियसली हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आपने आपका ख्याल रखिए।